महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया, जिसके बाद कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर कैलाश सोढाणी को सौंपा गया। सोढाणी वर्तमान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं और मंगलवार रात राजभवन से कार्यवाहक कुलपति के आदेश जारी हो गए, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि एमडीएस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने पर समय लगने की संभावना है। इसीलिए राज्यपाल ने वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढाणी को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार देने के निर्देश दिए हैं। जहां मीडिया से वार्ता के दौरान प्रोफेसर कैलाश सोढाणी ने राज्यपाल व कुलपति का आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर ने कहा कि मेरी प्रगति में एमडीएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि मैंने एमडीएस से काफी कुछ सीखा है जो कोटा बांसवाड़ा स्थित यूनिवर्सिटीज को प्राप्त हो रहा है। एमडीएस अजमेर का कार्यभार मेरे लिए भले ही कम समय के लिए होगा, परंतु कोशिश पूरी रहेगी सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, साथ ही अच्छा शैक्षणिक वातावरण बनाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों को सौंपूं। इसी दौरान महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर व विद्यार्थियों ने मिलकर नवनियुक्त कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की पुनः जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं राज्य सरकार और माननीय कुलाधिपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास व्यक्त किया है। मेरा विश्वविद्यालय है ये, यहाँ के सभी अध्यापक और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स से मेरा काफ़ी अच्छा परिचय रहा है, अच्छा कार्यकाल रहा है। मैं बड़ा संतुष्टि के साथ यहाँ से गया था, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि मेरी प्रगति में एमडीएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि न केवल यूनिवर्सिटी का काम किया बल्कि मुझे स्वयं को भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उसी का लाभ ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा और कोटा खुला विश्वविद्यालय को आज प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक इस विश्वविद्यालय का सवाल है, समय मेरे पास कम है, परंतु उस कम समय में भी मैं विद्यार्थियों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करूँगा और एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने का उत्तरदायित्व मैं अध्यापकों को दूंगा, ताकि एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का जो स्थान मेरे पूर्वज जितने भी कुलपति रहे हैं उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो प्रयास किए, मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और विश्वास करता हूं कि मुझे अजमेर के नगरवासियों का जो पहले भी सहयोग प्राप्त हुआ था, उस भांति इस समय भी प्राप्त होता रहेगा। मेरी प्रायोरिटी में रहेगा नेक और अध्यापकों की पदोन्नति के साथ साथ परीक्षा परिणाम समय पर जारी करना, परीक्षाएं समय पर आयोजित करना।